नमस्कार, आपकी जनादला न्यूज से मैं हूं राजैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जनादला न्यूज की खास रिपोर्ट। खबर भिंड जिले से आ रही है, जहां पर भिंड जिले के फूप नगर में शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से बीते रोज अज्ञात चोरों ने 22 अष्ट धातु से बनी मूर्तियां चोरी की हैं। उस समय तस्वीरों से आप देख सकते हैं, ये दिगंबर जैन मंदिर का ताला टूटा हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, जहाँ पर आप देख सकते हैं दिगंबर जैन मंदिर से 22 अष्ट धातु से बनी मूर्तियां चोरी हुई हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं तस्वीरों में फूप नगर का बाजार बंद किया हुआ है। लोगों ने सामूहिक रूप से बाजार बंद हुआ है फूप नगर का, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं फूप नगर ने दिगंबर शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से हुई। कौन कौन सी मूर्तियाँ चोरी हुई हैं यहाँ जैन मंदिर से? शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के नाम से यहाँ बड़ा विख्यात मंदिर है और बाहर से 22 जैन मूर्तियाँ यहाँ से चोरी हुई हैं। ये कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं? ये नाम सभी भगवानों की मूर्तियाँ हैं, हमारे तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। ये मतलब अष्टधातु की मूर्तियाँ। कितने साल पुरानी थी मूर्तियाँ? ये काफी साल पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। गांव से जो पुराने मंदिर हैं, मतलब ये मंदिर शांतिनाथ भगवान के नाम से हुई थी, और उसमें कुछ सोने की मूर्तियां भी हैं जिनकी चोरी हुई है। मूल बात तो ये है कि प्राचीन होने के नाते उनका महत्व ज़्यादा है, पुरातत्व के नाते इसी ले जाते हैं लोग, उनको बेचते हैं ज़्यादा, तो उसके लिए हम लोग आए। क्या कीमत क्या रही होगी उनकी मूर्तियों की? कीमत तो उनकी अगर बाजार में जाएंगे तो करोड़ों में निकलेगी जब बिकेंगे, तब हम लोग खरीदते नहीं उसको, इस भाव में भाव बिकती हैं, वो बिकती ज़्यादा भाव में खरीदते हम लोग अपनी श्रद्धा से। ये आस्था का विषय है हमारा। हाँ, ये कल रात को चोरी हुआ है, उसके लिए हम लोग एक स्पेशल टीम फॉर्म किया है और उसके लिए मीटिंग भी लिया है और जैन समाज की तरफ से हम लोग थोड़ा जानकारी वगैरह इकट्ठा किया है, तो उसका कौन इन्वॉल्व हो सकता है जल्दी जल्दी हम लोग फ्रेश करा देंगे। इसमें मेरे तरफ से 10,000 का इनाम भी घोषित किया है और आसपास कौन कौन चोर है, इसको पुराना आरोपी है, सबको हम लोग तलाशी लेके जल्दी जल्दी इसको फ्रेश करा देंगे। बाजार ही बंद किया है? नहीं, ऐसी नहीं, अब सबसे बात हो गया है।